तैयारी पहुंच चुकी है 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में। जी हाँ, इस वक्त मैं दीपिका और ज्योति यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जितने खूबसूरत सोमनाथ के मंदिर हैं उतनी ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग यहाँ की और उससे भी ज्यादा दिलचस्प यहाँ के लोग हैं। बिल्कुल, तो सोमनाथ से स्वागत करती है जोड़ी बुलेट वाली आप सबका। लोग इन स्थानीय मुद्दों को तवज्जो क्यों देते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे, ये जानने के लिए बातचीत करते हैं सोमनाथ की जनता से। क्या नाम है सर आपका? शिवलाल। शिवलाल, शिवलाल जी कैसा लगा शिव जी के दर्शन करके? अच्छा हुआ। गुजरात में चुनाव आने वाला है, तारीख तय हो चुकी है, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? परिवर्तन नहीं जरूर से, परिवर्तन नहीं जरूर से। तो परिवर्तन कहाँ तक होगा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, क्या किसका काम अच्छा लगेगा? बीजेपी थी थक ही गया थी, कांग्रेस में तो जे एमएलए विन थाय से तो भाजप नहीं भेगा पड़ी जाए से, तो शू करवानो। जो कांग्रेस के परिवर्तन खास जरूर से। आप क्या चाहते हैं, यहाँ का विधायक कैसे अच्छा होना चाहिए, जैसे जनता को सपोर्ट करें, काम करें, जनता के लिए काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वोट डालने चाहते हैं आप? हाँ, मैं देना चाहता हूँ, पर जैसे जो अच्छा काम करेंगे उनको ज्यादा ही वोट मिलेंगे ऐसे। तो अच्छा काम कौन कर रहा है? अच्छा तो दोनों कर रहे हैं, जैसा सपोर्ट जब को। लेकिन आप दो वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ, पर जो आएगा वही है ना, अभी तो ऐसे देखने जाओ तो कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। मिक्स्ड ओपिनियन मिल रहा है सर, क्या नाम है आपका? सचिन बुराड़े। सचिन भाई कहाँ से हैं आप? नासिक से। नासिक से, अच्छा वहाँ भी बीजेपी और मिलीजुली सरकार, यहाँ पे इस बार किसकी सरकार? यहाँ पे मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार आएगी, बीजेपी की। मैडम आपका नाम? अलका। अलका बहन कहाँ से हुआ? जामनगर से। जामनगर से, तो जामनगर में विकास हुआ है? आओ, तो जो लोग कहते हैं गांव में विकास नहीं हुआ है, नारे सरस हुआ, विकास बहुत सरस है। कौन आपसे गुजरात में पाछ? मोदी भाजपा जाओ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक महाजन, महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, दीपक भाई, महाराष्ट्र और गुजरात कौन सा स्टेट आपको बेटर लग रहा है? बेटर तो यहाँ का विकास अभी का जो भी है वो अच्छा है। अच्छा है, कौन मोदी जी जीतेंगे इधर? क्या अभी समझ में नहीं आ रहा है, 50-50 लग रहा है मेरे को। 50-50 लग रहा है। केजरीवाल से चैलेंज है या कांग्रेस से? केजरीवाल से। केजरीवाल से है चैलेंज, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है कि उनके काम से ऐसे लग रहा है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? राहुल भाई। राहुल भाई कहाँ से आए? गुजरात भावनगर से। भावनगर से, इस बार भावनगर की जनता किसका सपोर्ट करने वाली है सोमनाथ में दर्शन करने के बाद? सपोर्ट तो ये करना चाहती है भाजपा को, आम आदमी पार्टी की लड़ाई इसमें, और कुछ मालूम नहीं पड़ता कौन जीतेगा। कांग्रेस है कि नहीं पिक्चर में? कांग्रेस भी पीछे में, देखो उम्मीदवारी ऐसे में तीनों तीन मिले हैं, कौन जीतेगा ये मालूम ही नहीं पड़ता। नहीं आपको लग, लेकिन आपको कौन सी सरकार चाहिए? बीजेपी। बीजेपी चाहिए? बीजेपी। क्यों? मोदी अच्छे है, काम विकास अच्छा है उसका। अच्छा। और मोदी जी है तो अच्छा लगता है। 27 साल से ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे वो लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि हम तो जीतेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, काम उसका बड़ा है और विकास का काम सबसे अच्छा है, इसे मोदी जी चाहिए। विकास हुआ है। कहाँ से हैं आप? निजर से। निजर से, इलेक्शन होने वाला है गुजरात में, महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार, कौन आएगा? ये तो अभी क्या पता है। बीजेपी? हाँ बीजेपी आएंगे। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छा है, आप लोगों का चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। दर्शन हो गए आपके? नहीं नहीं ना, आई आया मुकान आया। अच्छा कहाँ से आए आप? निजर तालुका। इधर क्या लग रहा है, मोदी जी जीतेंगे? हाँ। क्यों? अच्छा काम, अच्छा अच्छा काम करे। आप वोट डालने जाओगी? हो। कांग्रेस चाहिए आपको? नहीं नहीं। केजरीवाल? नहीं। मोदी? मोदी।
उन्हीं गलियों में हम घूम रहे हैं, मैं और ज्योति, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन की न जाने कितनी यादें हैं, और आज भी वो यादें इन्हीं गलियों में वडनगर के इस गांव में गूंजती हैं। तो इस वक्त मैं और ज्योति पहुंच चुके हैं वडनगर के शर्मिष्ठा लेक में, जिसे देखने के लिए कई जगह से टूरिस्ट यहां पर आते हैं। और ये वही गांव है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। यहां की गलियों में पीएम मोदी भी कभी घूमा करते थे। यहां के लोग क्या सोचते हैं आज की तारीख में, ये हम जानेंगे। कुछ प्रेरणा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? साहिब मोदी साहब भी जीतेंगे, दूसरे कोई भी नहीं जीतेगा। केजरीवाल का कुछ नहीं आएगा मैडम। ये वडनगर में नहीं आएगा कि पूरे गुजरात में नहीं आएगा भाई? गुजरात में कुछ नहीं आएगा मैडम, मोदी बैठा है ताशुदी कुछ नहीं होएगा केजरीवाल का। देखिए, हम वडनगर के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा ली थी, यानी कि एजुकेशन लिया था। जी हां, ये वही स्कूल है हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ करके निकले थे। और जब बात यहां के स्कूल की हो या फिर गुजरात के एजुकेशन सिस्टम की, तो उसे सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसे कई लोगों की राय हमें इस चुनावी यात्रा में मिली भी है। आपका नाम? मेरा नाम मांगुशी। पूरे महसाणा की पब्लिक क्या बोलती है, इस बार कौन आएगा? हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं और हमारे शुरू से बीजेपी में रह रही है, बीजेपी आना चाहिए। मोदी जी दो तीन काम अच्छे करें, हम देखे। ठीक है, बोलते हैं कि महसाणा में पाटीदारों का बहुत दबदबा है, चार तो ऐसी सीटें हैं कि सिर्फ पाटीदारी बोलता है यहाँ पर, तो लगता है आपको कोई बदलाव? इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। भाजपा के अलावा कोई चारा नहीं है और कोई आनी भी नहीं चाहिए। केजरीवाल कुछ भी बोले, कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताइए कि यहाँ पर मोदी जी की लहर कुछ कम हुई क्या इतने सालों में? नहीं नहीं, मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, अभी तो विकास भी कर रहे हैं और काम भी अच्छा है मोदी। इस बार आपको क्या लग रहा है कि गुजरात में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या केजरीवाल चैलेंज दे रहे हैं इस बार? केजरीवाल चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आएगा तो नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पटेल बहुत है, पाटीदार बहुत है ना महसाणा में? है, बहुत है। और गर्मी बहुत होती है गुजरात में, लेकिन महंगाई भी उसके साथ साथ बहुत हो रही है। आप लोगों को परेशानी होती है महंगाई से? परेशानी होती है, नहीं तो पहले से चलता रहता है, पहले से चलता ही रहता है मंगवारी। तो इधर कोई मंगवारी नड़ती नहीं। मंगवारी तुम्हारे माटे चुनाव में मुद्दो छे आ वक्त? सही है, पहले रोजगारी, पहले क्या था कि मजूरी उसी मिलती थी, अभी मजूरी बहुत मिलती है तो मंगवारी कहाँ से मिलती है? एक घर में पांच जन होते हैं, पांच मोबाइल वापरते तो मंगवारी नहीं नड़ती है। घर पे पांच लोग हैं और पांचों के पांच के पास मोबाइल फोन है, कार है, तो महंगाई कहीं नहीं है। ये अपनी महंगाई नहीं नड़ती तो खाने पीने में मंगवारी नड़ती है, ये तो होता ही नहीं है। तो महंगाई मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं। तो किस मुद्दे के आधार पर इस बार चुनाव होने वाला है? सही है, ये तो बीजेपी आएगी, मोदी साहब भी आएगा, ये तो राजा ही है, ये तो वाघ है, सब सब भारत का है, तो वो हो तो सब है। रण ऑफ कच्छ में मौजूद हैं, जो कि अपने वाइट डेजर्ट के लिए जाना जाता है। और वाकई ये पीछे की खूबसूरती जो आप देखेंगे वो देखते ही बनती है। ऐसे में दीपिका और मैं न सिर्फ यहाँ के खुशनुमा माहौल को देखकर खुश हो रहे, बल्कि जो गुजराती भीड़ यहाँ पर अलग अलग जगहों से घूमने आती है उनसे बातचीत करके भी काफी आनंद ले रहे हैं। गुजरात इलेक्शन में किसके लिए माहौल बन रहा है?
मोदी भाजपा आएंगे, कोई टक्कर नहीं देने वाला है कोई पार्टी। केजरीवाल देगा थोड़ा बहुत। कितना? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत देगा केजरीवाल। फ्री के लिए तो क्या है, फ्री कोई होता ही नहीं है। फ्री कुछ नहीं होता, फ्री कुछ नहीं होता। केजरीवाल झूठ बोल रहे, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ी वजह है। बिजली यहाँ से ही खरीदते है, चार स्टेट यहाँ से खरीदते है आप। तो वो किसी नई रणनीति के साथ आते तब आप लोग उन पर भरोसा करते कि फिर भी मोदी? यस, तो भरोसा करते। साथ में चुनाव होने वाला है, पता है क्या लगता है? भाजपा क्या भाजपा? मोदी सर आज मतलब गुजरात चुनाव मतलब मोदी? बीजू कोई न थी ना, बीजू है ना कॉम्पिटिशन में। कौन छे? केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं। सुनाम छे तमारो? काना भाई। हाँ, काना भाई जी। हाँ काना भाई, दुकान अच्छी चल रही है आपकी? जी ठीक चल रही है। ये महोत्सव की वजह से सुना आप लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है ना? जी तो है न, बढ़िया है नहीं तो। हाँ तो इस बार गुजरात चुनाव में आप लोग किसको चुनेंगे, क्या लग रहा है कि कौन गुजरात का विकास कर पाएगा? वो तो ठीक है सर, देख लेंगे। हमारा तो मैं भाजपा है जी। हाँ मोदी साहब है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश राज श्रीमाली, राजस्थान से आया हूँ। गुजरात कैसा लगा हमारा? गुजरात तो वैसे ही बहुत सुंदर है, बहुत मीठापन है और बहुत ही यहाँ की जो भाषा मीठी, यहाँ का खाना मीठा और यहाँ के रहन सहन पोशाक सारी चीजें बहुत सुंदर है। आपका मन क्या है? हम तो चाहते परिवर्तनशील होना चाहिए, संसार की प्रक्रिया परिवर्तन से ही आगे बढ़ती। और देखिए हमारे साथ कुछ और महिलाएं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा आप कहाँ से हैं? सूरत से। ये तो सूरत और गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर जैसे बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज से निकल के एक सफेद डेजर्ट में आना, कच्छ में इतना डेवलपमेंट देखना कैसा लगता है आपको? मुझे पहले लगता था कच्छ नाम सुन के ऐसा लगता था वहाँ पे सिर्फ रन होता है और रन और धूप और कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें मतलब इंटर्नशिप है मेरी, तो मैंने सोचा एक बार जाके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे मैं देखकर शौक हो गया मेरे, तो एक रन पे ऐसा कुछ होना भी पॉसिबल है। तो इस ट्रेडिशनल अवतार में हमें एक और यहाँ पर मिली है, ये भी इस उत्सव में ही थी। क्या नाम है आपका बहन? मीना बेन नहीं ना छोटा में दोईरा गामना। कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर के? कभी सोचा नहीं होगा कि इस जमीन पर ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है मैम, और मोदी जी आए ना ऐसा सब कुछ करे। तो एक बार फिर से मौका मिलेगा क्या बीजेपी को गुजरात में? ऐसे तो सबके लिए अभी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो मोदी जी आना चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? हिलाक्षी। आप इतने क्यूट क्यों? बस मैं हाउसवाइफ ही हूँ। एक बात, बिजनेसमैन वाइफ हूँ। इस बार किसकी सरकार होगी, बीजेपी या कांग्रेस या आप? बीजेपी ही आएगी। सूरत में तो हल्की हल्की आम आदमी की हवा भी थी, आपको चाहिए केजरीवाल? नहीं नहीं नहीं। क्या लग रहा है किसकी सरकार रहेगी इस बार? एक बार आएगा भाजपा सरकार, इतना जोर करेगा कि उन लोग का पावरफुल है, उसका पावरफुल इतना है कि 5 साल तक बढ़ेगा। और तो तरह तरह की यहाँ पर ऑडियंस हमें इस रण महोत्सव में मिल रही है। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आपका बाप यानी कि आम आदमी पार्टी का बाप है, कोई कह रहा है कि परिवार का मुख्य सदस्य है मोदी, और यहाँ पर एक चौपाल लगी है। हमने सोचा मैंने और ज्योति ने कि इनसे भी हम बात करते हैं, इनके मन में क्या है ये हम जानते हैं। गुजरात में कौन आने वाला है इस बार? मोदी बीजेपी क्यों? 125 प्लस आएगा, 25 साल से गुजरात में सारा अच्छा काम किया है। मोदी के सिवा कोई चारा ही नहीं है इंडिया के लिए, मोदी इज बेस्ट। लेकिन इतना ऑप्शन है कांग्रेस आम आदमी पार्टी, मगर वो सक्सेस नहीं है। तो हमारी जब ये चुनावी चौपाल लगी ही है तो आप लोग कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। कैसा लग रहा है गुजरात? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग गुजराती है। कच्छ में आके कैसा लग रहा है? कच्छ में बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव कम हियर एंड ऑल्सो रण उत्सव, सो वी आर एंजॉयिंग इट। तो सर आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 में गुजरात में मोदी जी की वापसी होगी या केजरीवाल या कांग्रेस? 100% मोदी। देखा आपने
किस तरीके से लोग यहाँ पर गुजरात में चुनाव की सिर्फ डेट डिक्लेयर हुई है और अभी से रिजल्ट को लेकर एक्साइटेड है और खुशी मना रहे कि आएगा तो मोदी ही, आएगी तो बीजेपी ही। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गए, पूरे कच्छ की हमने जनता की राय जानने की कोशिश की और यहाँ तो पूरी तरह से जो माहौल है वो कहना गलत नहीं होगा कि मोदी मैं नजर आ रहे हैं। ऐसे में ढोल वाले भैया लोगों की ढोल तो फिलहाल हमने ले ली, लेकिन देखना होगा कि चुनाव में जनता किसका ढोल बजाती है और किसे वोट देती है। फिलहाल कच्छ से जोड़ी बुलेट वाली को दीजिए इजाजत, नमस्कार।